हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहियंदे और आप देख रहे हैं हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस। यस, ये सारा सामान हम लोगों को लगेगा। पहले मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझा देता हूँ क्या क्या चाहिए। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर तो हम लोगों को चाहिए ही, ठीक है। एंड ड्राइंग बुक भी आप देख रहे हैं, ड्राइंग बुक भी हम लोगों को चाहिए। ये इस तरह का पैलेट चाहिए, ये आपको मटेरियल की लिस्ट में पहले ही मिल चुका होगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, पोस्टर कलर्स के ना एक बॉक्स खरीदा है और ये जो है ये मैंने सारे एक्स्ट्रा शेड्स ला लिए हैं। तो वो एक्स्ट्रा शेड्स कौन कौन से चाहिए वो आप लोगों को मटेरियल के लिस्ट में ऑलरेडी आ गया होगा, तो मैं वो सब नहीं बताता हूँ अभी। बट सारे एक्स्ट्रा शेड्स अलग अलग खरीदे हैं और एक बॉक्स भी खरीदा है। तो इसमें 12 कलर की जगह एक 18 शेड का भी बॉक्स आता है, तो आप वो लोग वो भी ला सकते हैं। बट एक चीज़ देखिए, इसमें जो है पोस्टर कलर, ये पोस्टर कलर फॉर आर्टिस्ट ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे लिखा होगा, पर प्रीमियम बॉक्स इसमें ना एक स्टूडेंट पोस्टर कलर आता है, एक प्रीमियम पोस्टर कलर आता है। तो आई एम यूजिंग प्रीमियम पोस्टर कलर्स राइट नाउ, ओके। तो इसकी जो क्वालिटी होती है, थिकनेस होती है, ये अच्छी होती है और ये 15 ml की बॉटल है, तो काफ़ी बड़ी बॉटल हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टर कलर्स। तो ये सारे शेड्स अभी हम लोग निकालेंगे जो चाहिए वो। उसके बाद आप लोगों को जो है वो ड्रॉइंग बुक लगेगा, पानी के दो बाउल, ये इस तरह से मैंने लिया है, एक साफ पानी जो कलर में मिक्स करने के लिए और एक ब्रश वॉश करने के लिए। देन कोई भी पुराना टी शर्ट्स कॉटन का जो हम लोग रैक क्लॉथ बोल के यूज करेंगे, और ब्रशेस चाहिए होंगे। अभी ये मेरे पास थोड़े ज़्यादा ब्रशेस है, आप लोगों को इतने सारे ब्रशेस नहीं चाहिए होंगे। सो एक छोटा कैमल का सिंथेटिक ब्रश बोल के आते हैं, गोल्डन कलर के हेयर्स होते हैं इसके, इस तरह से यू कैन सी लाइक दिस। तो ये वाले ब्रशेस आपको चाहिए होंगे। तो इसमें राउंड का एक फोर ब्रश का सेट भी काफ़ी हो गया, या सेवन ब्रश, और फ्लैट का एक सेवन ब्रश का सेट, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। तो ब्रशेस मैं अभी नीचे रख देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, आज से हम लोग पोस्टर कलर शुरू कर देते हैं। होप सो आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया है बाकी सारे ड्राॅइंग्स करने में। सो पोस्टर कलर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पोस्टर कलर को ब्रश हैंडल कैसे करना है वहाँ से लेके सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डीप में जाके सीखने वाले हैं, और पूरा बेसिक से, मतलब जिन्होंने कभी ब्रश पकड़ा भी नहीं है उनको, उनके लिए भी ये सारे चीज़ें बहुत इजी हो जाएगा, ओके। तो आप अपना स्केल लीजिए, आपको ये इस तरह से स्केल लेना है और यहाँ से आप लोगों को तीन लाइन बनाने हैं। हम लोग फिर से बेसिक से पूरा स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ वो कर लीजिए, डोंट वरी। ये इस तरह से सिक्स बॉक्सेस बनाने हैं। हम लोग बॉक्सेस पहले बना लेते हैं सारे, ठीक है। उसी पेज के बैक साइड में मैं कर रहा हूँ, और यहां पर सिक्स पेजेस, और यहां पर सिक्स पेजेस, सॉरी। हम लोगों को ये इस तरह से सिक्स बॉक्सेस बनाने हैं एक पेज के ऊपर। तो ये सिक्स बॉक्सेस यहां पर उसके बैक साइड में और यहां बनाने हैं, ठीक है। आफ्टर दिस फोर बॉक्सेस बनाने एक पेज पे। तो एक सेंटर से स्टैंडिंग लाइन बनानी है और एक स्लीपिंग लाइन बना लीजिए जल्दी से, आई वेट फॉर यू। चलो स्टॉप डूइंग योर वर्क, टेक आउट योर पेंसिल नाउ, पेंसिल निकालिए अपना, गुड। फर्स्ट बॉक्स में स्लीपिंग लाइन, आई टोल्ड यू हम लोग पूरा बेसिक से करने वाले हैं, तो इसमें फर्स्ट बॉक्स में स्लीपिंग लाइन करना है। डन। सेकेंड बॉक्स में स्टैंडिंग लाइन, ये आप लोगों को पूरा बॉक्स खत्म होने तक करने हैं, पर अभी के लिए दो लाइंस बना लीजिए सिर्फ, दो या तीन लाइंस, यहाँ पर स्लांट लाइन, यहाँ पर इस तरह से स्लांट लाइन। आप लोगों को याद है हम लोगों ने लाइंस वाले वीडियो में पूरे लाइंस बनाए थे, तो सेम वही लाइंस आप इसमें बना सकते हो। कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, एक एक ही लाइन बनाइए अभी,
कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, ठीक है, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लांट, स्लांट, कर्व लाइन और जिगजैग लाइन, देख लीजिए। एक सिंगल लाइन बनाना है, डू इट फास्ट। डन, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, अभी स्टैंडिंग कर्व लाइन एंड स्टैंडिंग जिगजैग लाइन, पॉइंट लेना है वहीं से, एक इस तरह से राउंड करना है, यहां से अपोजिट डायरेक्शन से करना है, फिर यहां पर एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायंगल, फिर एक स्क्वायर और इसके ऊपर बहुत सारे स्क्वायर, फिर एक रेक्टेंगल और फिर से इसके ऊपर रेक्टेंगल, डायमंड शेप, उसके ऊपर बहुत सारे डायमंड शेप बनाने, अलग अलग नहीं बनाने, इसी के ऊपर करना है, हार्ट शेप और इसके ऊपर बहुत सारे हार्ट शेप, ओके। यहाँ पर फ्लावर का शेप करेंगे और इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स, फिर यहाँ पर एक स्टार बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे स्टार करने, और यहाँ पर कोई भी शेप आप कर सकते हैं, इट्स योर विश, ओके, ग्रेट। ये हो गया आपका, फिर से एक बार बता दूं मैं आपको, फर्स्ट बॉक्स रेक्टेंगल, सेकंड बॉक्स डायमंड शेप, थर्ड बॉक्स हार्ट शेप, फोर्थ बॉक्स फ्लावर, स्टार, और यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपको अभी एक एक ही ड्रॉ कर लीजिए सेंटर में, ओनली वन। डन, ग्रेट। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर सर्कल, ट्रायंगल्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और यहाँ पर कोई भी शेप, और ये पेज हम लोगों ने स्क्रिबल किया था, याद है आपको, सब याद आ गया, गुड, ग्रेट। सो कर लीजिए जल्दी से मार्क, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एनी शेप एंड स्क्रिबलिंग। आप बोलोगे सर ने फिर से लाइन से शुरू कर दिया, राइट, यस, कुछ सीखना है तो कुछ करना पड़ेगा, ओके, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, टेक आउट योर दिस पेज नाउ, फर्स्ट वाला पेज निकालिए और सबसे छोटा राउंड ब्रश निकालिए, अपना सबसे छोटा राउंड ब्रश, ये देखिए मैंने ये ब्रश लिया है, आई थिंक 0 नंबर का है, 2 नंबर का ब्रश है ये ब्रश लीजिए और पैलेट लीजिए और इसमें आपका फेवरेट कलर निकालिए, थोड़ा डार्कर शेड होना चाहिए, नॉट येलो एंड वाइट, कोई भी रेड शेड आप यूज कर सकते हैं, बट थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए, ओके, आई एम टेकिंग क्रिम्सन रेड, यू नो माई रेड इज माई फेवरेट कलर, राइट, सो रेड कलर लेने के बाद मैं रेड कलर को जो है थोड़ा सा कलर लेकर पैलेट के अंदर डाल रहा हूं, उसे छोटे से ब्रश से ही लेना है आपको, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लूंगा मैं भी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा, वाटर ऐड करके क्या किया मैंने, उसको मिक्स कर दिया, ओके, ब्रश में का कलर जो है वो पूरा निकाल देना है पैलेट के अंदर और फिर ब्रश को वॉश करना है, ड्राई करना है और एक बार वॉश करना है, ड्राई करना है, और ये कलर को पहले आप बंद करके रख दीजिए, ये भूलना नहीं है, नहीं तो वो कलर सूख जाते हैं। अब हमें क्या करना है, ये ब्रश से इसमें कलर लेना है, कलर को, कलर लेने के बाद उसको थोड़ा कम करना है, आप पैलेट पे इस तरह से करोगे तो कम हो जाता है, और यहाँ पर पकड़ना है ब्रश को और यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइक दिस, इंटरेस्टिंग ना, जैसे हम लोग पेंसिल से लाइन बनाते हैं उसी तरह से इसमें ब्रश के साथ लाइंस बनानी है, कलर में ज़्यादा पानी डालिए तो लाइंस आपके अच्छे से आएंगे, आप लोगों ने कम अगर वाटर डाला है उसमें तो फिर लाइन स्ट्रेट नहीं होते,
शेप यूज करना है उसका। आसान है पर थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी आपको। ओके अब मैं सारा बॉक्स नहीं करके बताता हूँ, ये इस तरह से आपको पूरा बॉक्स यहाँ तक करना है, ठीक है। और बहुत सारे इतने पास पास लाइन, सेम थिंग स्टैंडिंग लाइन, सेम थिंग ये कर्व लाइन, स्लांट लाइन, जितने भी लाइंस अभी मैंने दिए ये सारे के सारे आप लोगों को कलर से करने हैं। जिगजैग लाइन, बाद में ये भी स्टैंडिंग जिगजैग स्टैंडिंग कर्व, ये शेप को भी ब्रश से ही कन्वर्ट करना है पूरा। ट्राइंगल भी आप लोगों को ब्रश से ही बनाना है इस तरह से। स्क्वायर रेक्टेंगल फ्लावर स्टार शेप यहाँ पर कोई भी शेप, ये सारा ब्रश से ही करना है लाइक दिस। जो भी काम आप पेंसिल से करने का सोच रहे थे, जो बताया था मैंने पेंसिल से करना है, वो सारा अभी इस बार ब्रश से करना है। अंडरस्टूड? ये जितने बताए चीज़ें सारे ब्रश से करनी है, ये सर्कल्स भी सारे ब्रश से करने हैं, पेंसिल यूज नहीं करनी है इसमें। इस तरह से बहुत सारे सर्कल आपको बनाने हैं छोटे बड़े साइज के, यहाँ पर ट्राइंगल्स ड्रॉ करने हैं, हो जाता है आराम से, जस्ट यूज लाइक अ पेंसिल, खाली यहाँ पर एक बार डिप करना होता है आपको। स्क्वायर रेक्टेंगल एनी शेप लाइक दिस ऑल द थिंग्स, ओके। एंड इवन यू हैव टू डू स्क्रिबलिंग ऑल्सो, गॉट इट? ग्रेट। चलो इसके बाद और एक, अच्छा आज के लिए इतना वर्क काफी है, ठीक है। लाइंस खत्म कर लीजिए, ये सारी चीजें अच्छे से कर लीजिए, पैलेट को ब्रश को अच्छे से वॉश करके फिर से अपने कंटेनर में रख दीजिए, देन पैलेट को भी काम होने के बाद वॉश कर दीजिए हमेशा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। प्लीज डू योर होमवर्क, अगर ये एक काम आपने नहीं किया तो आगे वाला जो काम है वो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको हर एक काम जितना भी मैं दे रहा हूँ ये सारे काम आपको होमवर्क में करने पड़ेंगे, तभी जाके आप पोस्टर कलर में मास्टर बन पाओगे, नहीं तो पोस्टर कलर में मास्टर नहीं बनोगे। अगर सीखना है तो होमवर्क एक्स्ट्रा का करना होगा। और मैं ये पूरे चीज़ें कलर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं उतने कलर करूँगा तो आपका स्क्रीन वॉश टाइम बढ़ जाएगा। जहाँ पर ज़रूरी है, जहाँ पर फुल ड्राइंग्स है, वो मैं डेफिनेटली पूरे ड्राइंग्स करेंगे हम लोग, बट ये लाइंस और बेसिक जो है वो आप लोग कर सकते हो आराम से। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होमवर्क कंप्लीट करो एनी हाउ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। गॉट इट? चलो बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।